राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सीमा पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने और उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने बोफोर्स होवित्ज़र तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की आतंकी घुसपैठ को विफल करने और उनकी गोलाबारी का जवाब भारतीय सेना बोफोर्स होवित्ज़र तोपों से दे रही है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं, जिन पर भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों से गोले दागे हैं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा पार बैठे आतंकियों और उनका समर्थन करने वाली पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बना रही है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी बोफोर्स की तैनाती की पुष्टि की है। इससे पहले 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट ने केरन सेक्टर हमला करने की कोशिश की थी, जिसको भारतीय सेना के जवानों ने विफल कर दिया। इसके बाद एलओसी पर 4 शव देखे गए हैं। माना जा रहा है कि ये चारों शव पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो और पाकिस्तानी आतंकियों के हैं। ये चारों भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने और शवों को बरामद करने से रोकने की कोशिश कर रही है। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।